हाजियों के काफिले आना शुरू हुए। बरेली के हाजी भी अपने घर आ गए हैं। हाजियों की वापसी पर बरेली हज सेवा समिति के तत्वाधान में सिविल लाइंस में इस्तकबालिया प्रोग्राम किया गया है। जसोली के हाजी हसीन मियां वारसी, हजन हुसैन जहां, एयरपोर्ट इलाके के हाजी एजाज, हजन नसरीन बेगम आदि सहित लगभग 300 हाजियों की वापसी हो गई है। बरेली हज सेवा समिति के संस्थापक पम्मी खांवारसी ने कहा कि 4 सितंबर तक बरेली के सभी हाजियों की वापसी हो जाएगी। इस अवसर पर हज करके आए हाजियों ने यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए कहा, माशाल्लाह सारे अरकान हज के बहुत आराम से अदा हुए। वालदा को लेके मैं गया था और सब हिंदुस्तान की नई दुआएं मांगी और सब। वहीं हज सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बताया, माशाल्लाह बरेली शहर के लगभग हाजी आना शुरू हो गए हैं। बाकी जो रह गए हैं 4 सितंबर तक जो है आ जाएंगे। ये बाकी जो हाजी हैं 12 सितंबर तक इंशाल्लाह सब आ जाएंगे अपने वतन लौटकर। हाजियों के इस्तकबालिया प्रोग्राम में बरेली हज सेवा समिति के संस्थापक पम्मी खांवारसी, मोहसिन इरशाद, इमरान हुसैन आदि ने फूलों का हार पहनाकर लोगों से गले मिलकर मुबारकबाद दी है। बरेली के सीवीगंज स्थित तिलियापुर में प्राथमिक विद्यालय में आज मिड डे मील बनाने समय अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया है। आग लगने से प्रधानाचार्य, शिक्षा मित्र और 2 बच्चे झुलस गए हैं, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। सीबीगंज के प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील बन रहा था, उस दौरान अचानक गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। आग ने कुछ ही पल में विकराल रूप ले लिया। किसी तरह प्रधानाचार्य और शिक्षा मित्र ने आग को बुझाया और सभी बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला गया, लेकिन उस दौरान 2 बच्चे भी झुलस गए हैं। इस मौके पर प्रधानाचार्य नरगिस ने कहा, सर सुबह जैसे सिलेंडर खत्म हो गया था रसोई ने आके बताया, तो मैंने सिलेंडर वाले को इन्फॉर्म किया तो वो नया सिलेंडर लेके आया, उसने लगा दिया सिलेंडर, वही लगाता है हर बार आके। फिर मुझसे उसने, मैंने कहा बेटा लगा दिया सही से, बहुत अच्छे से चेक कर लिया, बोला हाँ चेक कर लिया। फिर जैसे ही रसोइयों ने खाना बनाने के लिए उसको खोला, सिलेंडर ने तुरंत आग पकड़ ली और रसोई भागते हुए जैसे हमारे पास आई कि मैडम सिलेंडर में आग लग गई, तो हम और ये भागे रसोई की तरफ पहले, लेकिन वहाँ थोड़ा सा सिलेंडर आग पकड़ चुका था। तो जब हमें थोड़ी सी स्थिति उस समय बिल्कुल बहुत समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने पहले स्कूल खाली करवाने शुरू करा, क्योंकि हमें लग रहा था कि अगर सिलेंडर फट गया तो एक क्लास बिल्कुल हमारा किचन के पास नहीं है, तो उसमें 2 बच्चे रह गए थे बस। तो मैं उनको बुला रही थी और ये भी सब बच्चों को निकलवा रहे थे सब, तो इनके तो चेहरा झुलस गया और मेरा ये हाथ तो चेहरे पे आ गया था बस। सब फटा नहीं, सिर्फ आग पकड़ी उसने सिलेंडर में जी। सर शायद 350 बच्चे थे, वैसे टोटल 463 बच्चे हैं सर था, लेकिन दोनों इक्विपमेंट, दोनों अग्निशमन यंत्र भरे हुए हैं, अभी भरवाए थे 2019 में, लेकिन सर उस समय एकदम से इतनी भगदड़ मच गई, तो ये लग रहा था कि पहले बच्चों को किसी तरीके से बाहर निकाल दें, और आग मतलब वहाँ पर इतनी फैल चुकी थी कि समझ में नहीं आया कि किस उस समय बिल्कुल एकदम से कि क्या करना चाहिए। हाँ मिड डे मील बन रहा था सर। सर 2 बच्चों की माइनर सा आया है हल्का सा, बहुत कोई बच्चा हताहत नहीं हुआ है, किसी की कोई चोट नहीं लगी है। सर बच्चे रसोई में बंद, उनको क्लास से निकाला जा रहा था ना, क्लास उसके बराबर में ही है, किचन है, किचन के थोड़ा सा ही बाद में क्लास है, तो उनको बच्चों को क्लास से निकाला जा रहा था, तो वो मैंने इस हाथ पे पकड़ रखा था उनको और ये वाला हाथ इस साइड में था, तो वो ऐसे माइनर सा उनके गाल पे थोड़ा सा हो गया है। वहीं आग लगने की सूचना पर डीएम वीरेंद्र कुमार सिंह ने सिटी मजिस्ट्रेट और बीएसए को स्कूल कनेक्शन करने और घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल भेजा है। इस बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया, आज की जो घटना हुई थी उसमें जो लोग भी घायल हैं बच्चे उनका इलाज कराया जा रहा है, ईशान हॉस्पिटल में भर्ती हैं, अभी बेसिक शिक्षा अधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट वहाँ गए हुए हैं, और ये जानकारी मिली है कि अध्यापकों ने मौके पर एक सराहनीय कार्य किया है। भविष्य में हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर इस तरह का मुकम्मल इंतजाम हो कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। क्या हुआ था सर, कैसे आग लगी थी, क्या अभी तक जानकारी मिली है?
ये प्रातः 9 बजे मध्यान्ह भोजन बनाते समय रसोई घर में सिलेंडर के पाइप में लीकेज हो गई थी, जिसकी वजह से आग लग गई थी। और प्रधान अध्यापिका नरगिस परवीन और शिक्षा मित्र संजीव कुमार मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने तत्काल वहाँ पर कार्रवाई कराई है, जिसकी वजह से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो पाई। इस पे पूरी रिपोर्ट आ जाएगी तो उस पर विचार करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सदर तहसील में जिलाधिकारी SSP ने सुनी फरियादियों की फरियाद। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर मंगलवार को तहसील स्तर पर समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें सदर तहसील में रहने वाले पीड़ित फरियादियों की फरियाद सुनी जाती है। मंगलवार को तहसील सदर में जिलाधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह व SSP शैलेंद्र कुमार पांडे ने वहां आने वाले लोगों की समस्याओं का वहां मौजूद संबंधित अधिकारियों से तुरंत निराकरण कराया है। समाधान दिवस पर आए पीड़ित ने बताया कि वह अपनी समस्या के लिए 3 साल से चक्कर लगा रहा है। लेकिन आज तक उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। इस बारे में सिटी न्यूज को अपनी जानकारी देते हुए पीड़ित ने बताया, मेरी समस्या है कि मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर झूठा 498 का मुकदमा कर रखा है। उससे पहले 51 बटा 19 का एक मुकदमा किया हुआ था जो 498 है, और उसके बावजूद क्या कहते हैं वो मेरे घर पे आ गए, मेरी माँ को जो कि अकेली थी घर में उनको धमकाया उसने और मारपीट करी उनके साथ। किसके द्वारा धमकाया गया? मेरी पत्नी, उनकी बहन रश्मि और उनकी ताई और बाकी अन्य लोग थे। मुझे पता नहीं, मैं तो बाहर नौकरी करता हूँ तो मेरे पास खबर आई तो मैंने सौ नंबर को फोन किया, तब तक वो फरार हो गया। कब की घटना है और तारीख की? तो आज आप समाधान दिवस में छुट्टी लेकर आया, मुझे बताया गया था, सौ नंबर वालों ने बताया था कि आप आके एक बार तहरीर दीजिए, तब उस पर कार्रवाई होगी। क्योंकि मुकदमा जब और उन लोगों ने पूरे घर का सामान वगैरह सब फेंक दिया। क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन वहाँ हमने वो दे दिया है, तहरीर दे दी है अपनी, उन्होंने कहा है कि इस पर जाके बेच पे। वहीं वहाँ आए लोगों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा, गांव वालों के कंडे पड़ते हैं, रखा जाता है, भूले पड़ते हैं। कब्जा किया हुआ है और बहुत बुरा लोग हैं, उन लोगों ने कब्जा किया। अच्छा। मकान उनका उसी में बना हुआ है, एक साल साहब खुद देख के आए थे। हाँ। और वो ये कहते हैं हाँ, हकीकत बात ये है भाई खलिहान नहीं है। तो क्या आश्वासन मिला आपको? मैं परेशान इतना हो गया लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं थी। कब आपने एप्लीकेशन दी थी? मुझे कम से कम 3 साल हो गए। तो 3 साल से आप लगातार तहसील के चक्कर काट रहे हैं, क्या मिला आपको? मैं जैसा कुछ चक्कर काट रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा घूला पुलिस के जरिए से आधा हटा के रास्ता निकाल दिया उन्होंने और गेट लगा लिया, और आज उन्होंने मिट्टी डाला, ताजी मिट्टी डाल के खरंजा डालेगा वो, और ये कह रहा है कि मैं मिट्टी डालूंगी वो डालूंगा खरंजा। तो आज आप अधिकारियों से मिले, क्या आपको आश्वासन मिला है? अभी कुछ कोई नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि आओ कोई भरोसा। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने मनाया स्थापना दिवस, 16 व्यापारियों को किया गया सम्मानित। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपना 28वां स्थापना दिवस बरेली के सिविल लाइंस में स्थित निजी होटल में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें 16 व्यापारी साथियों को व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा दुशाला उड़ाकर सम्मानित किया गया है। मोंटी जी से मैं चाहूंगा आप अरविंद अग्रवाल जी को मोटिवेट, रोहित कश्यप जी को ले आइए, रोहित कश्यप तैयार रहते हैं। शुल्क आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया, मैं वास्तव में आप लोगों के प्रति आभार से भर गया है। जिसमें सरदार सुरजीत सिंह, नवजीत अग्रवाल, सुरेंद्र बंसल, रविंद्र यादव, रोहित जिंदल, कमलजीत सिंह, अरविंद अग्रवाल, अनुराग अग्रवाल, संदीप अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, योगेश सक्सेना, वीरेंद्र देवल, रोहितास कश्यप, सलीम सलमानी व हाजी कबीर अहमद को सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर व्यापारियों ने अपने सुझाव भी रखे हैं। जिन्होंने व्यापार मंडल को इस प्रकार से सींचा था कि हर एक व्यापारी ये समझता था कि अगर उसके साथ एक दिक्कत है तो पीछे पूरा व्यापार मंडल खड़ा है, तो मैं चाहता हूँ इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। मैं आप सभी लोगों से एक गुजारिश करना चाहूंगा कि जो कि व्यापार मंडल ये कार्यक्रम
एक अच्छे स्तर के एक संवाद के रूप में बहुत कम होते हैं, लेकिन इस संगठन के अंदर लगातार संवाद अभी यहाँ पर आप लोगों से होता रहता है। तो अपने राय को भी दीजिए, अपने सुझाव भी दीजिए, और जब इतने पुराने इतने दिग्गज और इतने अनुभव के साथ हमारे ये मंचासीन पदाधिकारी बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हम किसी भी बात को उनके सामने रखते हैं तो कहीं ना कहीं व्यापार मंडल एकजुट होकर उसके पीछे चलेगा, और कहीं ना कहीं अगर हमारे को जंग लड़नी पड़ेगी तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि जीत भी हमारी ही होगी। दोनों एसोसिएशन में मिलकर काम करती थी और व्यापारी हित के लिए जो भी व्यापारी का किसी की कोई परेशानी हो ये नहीं पूछा जाता था कि भाई आप कौन से अध्यक्ष कौन सी उसमें हो। उस वक्त व्यापार मंडल और 1971 में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल हम लोग लेकर लखनऊ से यहाँ आए थे, और तब से मैं जुड़ा हूँ आपकी व्यापारी एसोसिएशनों के साथ। वहीं व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र ने बताया कि हमारे संगठन ने व्यापारियों के हित में कई कार्य किए हैं और आगे भी संगठन व्यापारियों के हित में काम करता रहेगा। उसके लिए लड़ाई लड़ी बहुत टिपिकल था, जो सीए की समझ में नहीं आ रहा था कि जीएसटी है क्या। बाद में उन्होंने तमाम संशोधन किए, आज भी संशोधन दाग दिए हैं, और अभी भी हमारे व्यापारी समाज के लोग ये कहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा समय इस जीएसटी की रिटर्न को भरने में और इसमें बीत जाता है जिनके पास अकाउंटेंट नहीं है। तो ये भी हमारी लड़ाई जा रही है कि अभी और इसका संशोधन हो इनमें, और जीएसटी की दर जो है अधिकतम 12% रखी जाए ताकि हर आदमी खुशी से टैक्स दे और हमारा देश आगे बढ़ सके। गणेश चतुर्थी के चलते पंडालों का घरों में गूंजे गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। सोमवार से शुरू हुए गणेश चौथ के कार्यक्रम के चलते नाथ नगरी में शोभा यात्रा के दौरान भक्त भगवान गणेश जी के भजनों पर खूब झूमे। स्थापना करने के बाद विधिवत पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है। हर गली मोहल्ले व घरों में भगवान गणेश के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में तपेशनाथ मंदिर में गणेश पंडाल में गणेश चतुर्थी महोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भगवान गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी भक्तों ने भजनों का आनंद लिया। इस मौके पर तपेशनाथ मंदिर सेवा दल के सभी सेवादार मौजूद रहे। इसके साथ साथ मंदिर में कीर्तन एवं मनमोहक झांकियों का आयोजन भी किया जा रहा है। नहीं जूझना पड़ेगा कैंट में रहने वालों को मोबाइल के खराब नेटवर्क से। बरेली कैंटोनमेंट बोर्ड की बैठक में 24 मोबाइल टावर लगवाने का प्रस्ताव हुआ पास। मंगलवार को कैंटोनमेंट बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बरेली कैंटोनमेंट बोर्ड की बैठक में कैंटोनमेंट एरिया में मोबाइल टावरों को लेकर प्रस्ताव पास हुआ है। बैठक में मोबाइल टावरों के लिए साइट पास कर दी गई हैं, जो कि डिफेंस एरिया में सिग्नल की समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत की सांस देंगी। इस बारे में जानकारी देते हुए कैंटोनमेंट बोर्ड के चीफ इंजीनियर ने बताया। कैंटोनमेंट बोर्ड की आज बैठक में एक मुख्य बिंदु छावनी क्षेत्र में मोबाइल टावर्स का रहा है, जो लगभग एक वर्ष से प्रस्ताव कंसिडर हुआ है। इसमें छावनी क्षेत्र की जो B4 लैंड है और क्लास सी लैंड है, इसमें 24 साइटें बोर्ड ने पहले अप्रूव की थी। जो उनकी बिड आई है, इसमें 4 कंपनियों ने, जो IP1 कंपनी है, उन्होंने अपनी बिड डाली है। उसमें जो हाईएस्ट बिडर्स है
ATC कंपनी, उन्होंने 14 साइटों के लिए बिड डाली है, और जो इलाइट कंपनी है उन्होंने 10 साइटों के लिए हाईएस्ट बिड दी है। बोर्ड ने उनको सैद्धांतिक रूप से मंजूर किया है। अब पूरा मसौदा प्रस्ताव बनाकर रक्षा संपदा विभाग PDD सेंट्रल कमांड को भेजा जा रहा है। उनके निर्देश प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई संभव है। और क्या क्या सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि मोबाइल टावर के बारे में जनता को सुलभता प्रदान करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, उसके अलावा और क्या क्या मुख्य बिंदु हैं जिन पर कैंटोनमेंट बोर्ड काम करेगा? बोर्ड के और मुद्दे प्रशासनिक मुद्दे हैं, मेन मुद्दा मोबाइल टावर्स का ही रहा है, और दूसरे मुद्दे हैं बोर्ड के अपने बरातघर हैं जैसे शहनाई बरातघर, रुबीना, इनके ठेकों के बारे में बोर्ड ने विचार किया है और एक रूपरेखा तैयार की है कि आने वाले समय में इन बरातघरों को और कैसे बेहतर ढंग से जनहित में चलाया जाए और बोर्ड को पर्याप्त राजस्व प्राप्त हो। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने अपनी मांगों को लेकर दिया धरना। मंगलवार को सदर तहसील में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया और मांग की है कि वेतन भत्ते, प्रमोशन, ACP व पेंशन विसंगतियां, सेवा नियमावली एवं तहसील में आधारभूत सुविधाएं व संसाधन संबंधित अन्य मांगे वर्षों से लंबित हैं, जिनको सरकार संज्ञान में लेकर जल्द ही आदेश पारित करे। ये हमारे संघ की देन है जो प्रत्येक प्रमाण पत्र में 5 रुपए आपको मिलने जा रहे हैं। ये किसकी देन है? इससे पहले तो आपको कभी मिला, लेकिन इतिहास तो एक अमर है कि हमको फला समय में, फला संघ के समय में हमको ये। इस बारे में जानकारी देते हुए यूनियन के अध्यक्ष ने बताया, पिछली बार हम लोगों ने हड़ताल की थी, इसमें 6 सूत्रीय मांगे रखी गई थी। उन मांगों के बीच में हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मुख्य सचिव महोदय से वार्ता हुई, जिसमें कई सारी मांगों को लेकर सहमति बनी थी और ये बात तय हुई थी कि एक वर्ष के अंदर उनके शासनादेश जारी कर दिए जाएंगे, परंतु उन पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। इसके संबंध में आज हम लोगों ने केवल एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है और हम अपना एक ज्ञापन मुख्य सचिव महोदय को 4 बजे उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सौंपेंगे। यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रेरणा ऐप का किया विरोध। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री द्वारा प्रेरणा ऐप की लॉन्चिंग की गई है, जिसमें शिक्षक शिक्षिकाओं के स्कूल पहुंचते ही सेल्फी खींचकर ऐप में भेजनी होगी, जिसका यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी पुरजोर विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को संगठन के पदाधिकारी दामोदर स्वरूप पार्क में एकत्रित हुए और प्रेरणा ऐप के विरोध में सभी को एक साथ आवाज उठाने की बात कही है। प्रदेश पे और इसके अलावा अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ जो विश्व संगठन से जुड़ा हुआ है, वो भी इस प्रेरणा ऐप का पुरजोर विरोध कर रहा है और जल्दी ही राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी एक जल्दी घोषणा होने जा रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा गया। इस ऐप का विरोध करते हुए जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बताया, आज ये हमारी प्रदेश सरकार द्वारा एक प्रेरणा ऐप 5 सितंबर से लॉन्च कराया जा रहा है, जिससे बेसिक स्कूलों में टीचर्स को सेल्फी के माध्यम से अटेंडेंस MDM की जानकारी भेजनी है, जो कि वास्तव में देखा जाए कि एक हमारी निष्ठा का उल्लंघन है। इसमें सेल्फी देना किसी उसका हल नहीं है। अगर वास्तव में इनको प्रेरणा ऐप जैसी उपस्थिति लेनी है तो सबसे पहले जितने भी विभाग हैं सब विभागों में ये ऐप लागू करना चाहिए। वास्तव में ज़रूरत हमें नहीं अन्य विभागों के लिए है। हमारा टीचर बहुत ईमानदार मेहनती है, समय से जा रहा, समय से काम करता है। इस विरोध में हम लोग हमें नहीं जा रहे कि ये हमारा आज का जो ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से देना है, वो इस विरोध में है कि प्रेरणा ऐप इसलिए हम विरोध कर रहे हैं कि प्रेरणा ऐप में हमारी जो वास्तव में जो हमारी सूचनाएं जो हैं वो सिक्योर नहीं है और हम नहीं चाहते कि हमारी बहुत सी माताएं बहनें हैं जो सेल्फी भेजेंगी, वो उनका किस प्रकार से यूज़ करा जाएगा, कहां कहां वो जाएंगी, इस प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। और प्रेरणा ऐप वास्तव में जो लॉन्च किया है वो प्राइवेट संस्था है, ना ही कोई गवर्नमेंट है, ना NIC द्वारा करा गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा मनाया गया 63वां स्थापना दिवस। मंगलवार को भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने 63वें स्थापना दिवस पर बीमा सप्ताह के रूप में कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें LIC के पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने मुख्यालय पर रक्तदान शिविर लगाया,
जिसके मुख्य अतिथि वरिष्ठ मंडल प्रबंधक यंगजोर रहे। शिविर में लगभग 100 लोगों ने रक्तदान किया है। तत्पश्चात जीजीआईसी स्कूल के सामने बने मुकबधिर विद्यालय में जाकर वहां पढ़ रहे बच्चों को खेल की सामग्री व सिलाई मशीन का वितरण किया गया। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी एनबी सक्सेना, एसपी पंत, हीरालाल आदि मौजूद रहे। इस बारे में जानकारी देते हुए वरिष्ठ मंडल प्रबंधक यंगजोर ने बताया, हम लोग 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक बीमा सप्ताह का आयोजन करते हैं। ये हमारे 63वीं हम लोग वर्षगांठ मना रहे हैं LIC के स्थापना दिवस से। 1 सितंबर 1956 में ये राष्ट्रीयकृत हुआ था, उसके उपलक्ष्य में आज विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। आज हमारा ब्लड डोनेशन में लगभग हमें लगता कि IMU का हम 100 यूनिट से ज़्यादा ब्लड का दे रहे हैं। आज सुबह भी यहाँ बगल में एक स्कूल है, वहाँ 50-60 बच्चों को हमने कॉपी, कुछ फ्रूट्स, हेल्थ चेकअप भी किया। वहाँ एक डॉक्टर ला के उनसे रूटीन जो मेडिकल चेकअप करते हैं वो भी किया। साथ में आज यहाँ बच्चों को हम खेल कूद के सामान दे रहे हैं। इसके अलावा भी कल बहुत सारे आयोजन हैं, इसमें और भी कुछ हम उसके लिए क्या कहते हैं भी प्राइम मिनिस्टर का एक कॉल है कि किस तरह हम प्लास्टिक के उपयोग को ख़त्म कर सकते हैं। उसके लगभग 3000 हम बैग जो जूट के बैग, जो कपड़े के बैग, वो प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट जगह जाके, ताकि प्लास्टिक को उपयोग ना हो सके। इस तरह और भी कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान भी कर रहे हैं। और एक हम लोग कल परसों जो भी पार्क और पब्लिक प्लेसेस में जो नलकूप है, जहाँ लूज है, पानी टपकता है, क्योंकि अभी मोदी जी का कॉल था 15 अगस्त को, क्योंकि हम जल संरक्षण भी करना है, उसके लिए हम लोग जाके उन टेपों को ठीक करेंगे। नल के टेप है या टूट गई है, पाइप टूट गया, हम उसको दुरुस्त कर रहे हैं। इसके लिए इस तरह का कई कार्यक्रम चलेगा, पूरा हफ्ता हमारा कार्यक्रम रहेगा। मंदिर में असामाजिक तत्व पी रहे शराब, पुजारी ने लगाए संगीन आरोप। थाना किला के मोहल्ला किला छावनी में बने 30 साल पुराने मंदिर में पूजा अर्चना कर रही सुमन शर्मा ने आरोप लगाया है कि वहां के कुछ दबंग लोग मंदिर पर कब्जा करने के नियत से मंदिर में शराब पीकर मुझे व मेरे परिवार को गंदी गंदी गालियां देते हैं, जिसको लेकर उन्होंने थाने में इसकी शिकायत की है। लेकिन कोई भी सुनवाई न होने के कारण सुमन शर्मा अपने परिवार के साथ SSP दरबार में पहुंची, जहाँ उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कराई है। मुझे, मैं पूजा पाठ करती हूँ, आते वो लोग दिक्कत करते हैं, पानी फेंकते हैं, डंडा ले लेके आते हैं और कुआं में कूड़ा डालते हैं, गाली पकड़ी करते हैं। 4 भाई भी लेटे होते हैं, उसकी पाई तोड़ दी और गालियाँ देते हैं और रोज के रास्ता रोकते हैं। कौन कौन लोग हैं वो? हाँ, मोहल्ले के किसान हैं। एक घर में 50 औरतें, मुन्ना लाल है, 50 औरतें उसके घर में हैं, बच्चे हैं, आदमी हैं, सब चढ़ाई करते हैं और डंडा ले लेके आ गए। रिश्तेदार और एक लोधे है, उसका साला वो भी करवा रहा है यही काम। एक जरा सी जगह में, चारपाई की जगह मिली थी मैं पूजा करने के लिए बैठने, वो उसमें नहीं लगाए होंगे तो 40 पेड़ लगा दिए, 40-50 पेड़ लगा दिए और उसमें इतनी भी जगह नहीं रखी है, जो पैर रख के निकल के पूजा कर लो। टूट जरा अभी टूट जाए तो गालियाँ देते हैं। SSP कार्यालय आए लोगों ने कहा, यहाँ SSP से मिलने आए थे हम लोग आज। एक मंदिर है हमारा 30 साल पुराना, उसमें हम लोग रह रहे हैं। वहाँ पर तो कुछ भाई मोहल्ले के क्षेत्र के लोगों ने उस पर जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं, इस सिलसिले में मिलने आए आज। किस तरह का किसका हाथ उन लोगों को? उनके पीछे कुछ नेता लगे हुए हैं, BJP के नेता हैं, पूरनलाल लोधी और एक ज्ञान किशोर लोधी है, जो जिन्होंने पुलिस पर दबाव बना दिया, पुलिस भी हमारी नहीं सुन रही है। आपके पास साक्ष्य क्या है जो मंदिर आपका है? मंदिर के हमारे पास लिखित प्रमाण है और जो हमें दी गई दान जगह है वो भी हमारे पास है सर। एक विशेष सूचना, सिटी न्यूज को आप अपने मोबाइल के YouTube पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिटी न्यूज में खबर देने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। हमारा फोन नंबर है 9760095470 या हमारे कार्यालय पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली, निकट गंगाशील हॉस्पिटल, DD पुरम बरेली। समाचारों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।